डियर नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? आज से हम लोग अब नया सेशन शुरू कर रहे हैं। इसके पहले वाले में आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल और साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आज हम डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों। और डेरिवेटिव में डेरिवेटिव यानी कि जो है सिंपल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव, कुल मिलाकर के चार टॉपिक्स ले करके हम लोग चल रहे हैं अब, ठीक है ना। तो आज इस टॉपिक की शुरुआत होगी, तो सब चुनिंदा क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं या फिर उसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है डियर कि उसके कॉन्सेप्ट को आपको बढ़िया से समझ लेना है। क्वेश्चन तो कितना भी बदल करके आएगा, कर ले जाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे, ठीक है ना। बस जरूरी है कि कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से कर लें, ठीक है ना। अब होली भी बीत गई है, अब पूरी ताकत से फिर से लग जाइए, ठीक है ना। तो चलिए डियर, ये पूरी जो क्लासेस हैं वो आपको पता है, हर बार हम बता भी रहे हैं और ये हर एक क्लास को मिल रहा है। इसके बाद फिर आप ये सभी टीचर्स हैं जो आप देख रहे हैं, इनकी सभी क्लासेस रन कर रही हैं, इसमें आपको पीडीएफ मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है फ्री। और इसके साथ ये इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे हमारे पूरे बैचेस मैथ के जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी बैच हैं, वो आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। जिस बैच में आपको जो है ज्वाइन करना हो, बड़े आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझ बूझ करके और परफेक्ट तरीके से फिर लग जाइए हमारे साथ। अगर आप लगना चाह रहे हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बचती है, कुछ पूछना है आपको, तो इन नंबर्स पर कॉल करिएगा और वो जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का पार्ट, ठीक है डियर। तो नेक्स्ट शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज, ये शंखनाद का 22th लेक्चर है, यानी 22वां भाग है, ठीक है ना। 21 तक आप कर चुके हैं पूरा, ये 22वां भाग है शंखनाद का, जिसमें से हमें क्या क्या करना है। डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन होंगे और नंबर टू इंटीग्रल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इंटीग्रल के क्वेश्चन होंगे यानी इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेशन दोनों होगा। इसमें सिंपल डेरिवेटिव, पार्शियल भी होगा और इसमें जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों के अब कई लेक्चर आपको मिलेंगे, यानी परफेक्ट एक रिवीजन। इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करिएगा डियर। अगर आपने कोई मिस कर दी है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से जाने के बाद पूरी जितने भी जो है शंखनाद की क्लासेस हो चुकी हैं, सभी क्लासेस आप एक एक करके देख लीजिए, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके ट्रिक को कलेक्ट करके बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, ठीक है डियर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। तो ये रहा क्वेश्चन, शुरुआत हमने कर दिया है इसमें से पार्शियल डेरिवेटिव से। और पार्शियल डेरिवेटिव ऐसा डेरिवेटिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे मेन बात यह है कि पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए इसमें से कि पार्शियल डेरिवेटिव है क्या, ठीक है ना। वो मैं आपको जानकारी दे दूं यहाँ पर, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना, पार्शियल यानी आंशिक, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है डियर इसमें से आंशिक अवकलन, ठीक है ना, आंशिक अवकलन, ठीक है ना, आंशिक अवकलन, ये है इसका मतलब। इसमें है क्या, जैसे आपके पास सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, ये लिखा है। अब जब हम सिंपल डेरिवेटिव करते हैं डियर, तो सिंपल डेरिवेटिव में जैसे हमने एक्स स्क्वायर लिखा प्लस टू वाई स्क्वायर लिखा, ये एफ इक्वल टू है हमारे पास, तो हम डी एफ लिखेंगे और डी एक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x और ये है y में है, तो ये बन जाएगा 4y और इसके साथ dy dx हो जाएगा, ठीक है ना, dy dx हो जाएगा, ठीक। df dx की वैल्यू आ जाएगी अगर f के टर्म में हमने लिखा है। और अगर हम सपोज करिए इसको भी अगर y लिख दें, इसको भी y लिख दें, तो ये dy dx हो जाएगा, dy dx एक तरफ कर देंगे, तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन।
लेकिन इसमें डी डी एक्स लगता है, यानी डी रहता है। जब डी रहेगा तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, और जब हम डेल लगा दें यानी डेल एफ कर दिया, अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी इस फंक्शन का एफ के रेस्पेक्ट में तो डेल लगाएंगे, ठीक है ना। इसको डेल एफ डेल एक्स कहा जाएगा इसको, ठीक। और इसमें अब एक्स क्या करेंगे हम, बाकी कांस्टेंट माना जाएगा, तो केवल टू एक्स होगा और ये कांस्टेंट होगा जीरो। उसी तरीके से डेल एफ करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में जब करेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा डियर कितना, फोर वाई ये हो जाएगा, बस इस तरीके से। तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो अगर एक्स में है तो बाकी कांस्टेंट, वाई में है तो बाकी कांस्टेंट, जेड में है तो बाकी कांस्टेंट, लेकिन जब डेल में लिखा जाएगा, अगर पार्शियल है तो डेल में लिखेंगे और अगर सिंपल है तो डी में लिखेंगे। ये दोनों में डिफरेंस भी है, ये बात याद रखनी है। इसके बाद जो है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं डियर वो, ठीक है ना। और वो कौन सा है, वो है यूलर मेथड, ठीक है ना। क्या है ये, यूलर्स मेथड, या फिर यूलर्स इक्वेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, इसमें होमोजीनियस इक्वेशन ये होगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो, x टू पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स, इस तरीके से, या फिर ये कह सकते हैं फंक्शन, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स हैव सेम डिग्री इन ईच टर्म, हर एक टर्म में सेम डिग्री होगी, तो फिर हम उसको कहेंगे होमोजीनियस, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको ये। तो जैसे हमने ये लिखा है, तो ये इसकी डिग्री है, यानी इसकी डिग्री क्या है, एन हो जाएगी, जो भी यहाँ पर बचेगा। तो थोड़ा सा मैं इसमें और एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे वहाँ पर आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स वाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ऐसे, ठीक। अगर हमने ये लिखा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये देखिए दोनों में सेम टर्म है, सेम डिग्री है दोनों में, तो ये होमोजीनियस होगा, ठीक है ना, होमोजीनियस होगा ये, ठीक। और इसके बाद दूसरे में आते हैं, जरा दूसरे पेज में। अगर हमने एफ ऑफ एक्स वाई लिखा और ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई क्यूब, ये नॉन होमोजीनियस हो गया, क्योंकि अलग अलग हो गया, ये नॉन होमोजीनियस हो गया, ठीक। तीसरा, अगर कहीं ऐसा लिखता है डेनोमिनेटर में लिख के आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ये देखिए ये भी वन डिग्री है, तो थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री, और अपान में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर ऐसा लिखा है, तो ये भी होमोजीनियस है। यानी न्यूमरेटर में सेम डिग्री होनी चाहिए, डेनोमिनेटर में भी सेम डिग्री होनी चाहिए, दोनों अलग अलग हो जाए चलेगा, लेकिन न्यूमरेटर के सभी टर्म का एक ही डिग्री और डेनोमिनेटर की सभी टर्म का एक डिग्री, तो फिर वो होमोजीनियस होगा, ये होमोजीनियस होगा डियर, ठीक है ना। और साथ में डिग्री फिर कितनी होगी, तो डिग्री में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री में से डेनोमिनेटर की डिग्री माइनस कर देंगे, तो डिग्री आ जाएगी थ्री माइनस टू इक्वल टू वन हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर की डिग्री में डेनोमिनेटर की डिग्री को माइनस करना है, तब आएगी रेशनल फंक्शन की डिग्री, ठीक है ना। और अगर इसी में क्वेश्चन ऐसा लिख जाए, ये हो गया एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, अब ये देखिए जरा, ये टू डिग्री है, ये भी वन वन टू डिग्री है, लेकिन ये वाला फोर डिग्री है और ये वाला थ्री डिग्री है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस हो गया, ठीक है ना, ये नॉन होमोजीनियस हो गया। तो अभी हमने आपको क्या बताया, इस क्वेश्चन के लिए मैंने इतना सब चीज़ें बताया कि हम पढ़ेंगे क्या, डेरिवेटिव में जो सिंपल डेरिवेटिव, साथ में पार्शियल डेरिवेटिव, इंटीग्रल में हम यहाँ पर डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पढ़ेंगे। अब इसके बाद जब शुरुआत होती है पार्शियल की,
तो पार्शियल और सिंपल में ये डिफरेंस है, हमने ये बताया आपको। इसके बाद फिर नंबर आ जा रहा है कि यूलर्स मेथड होमोजीनियस में लगता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है? ऐसे लिखा होगा तो होमोजीनियस है, कौन सा नॉन होमोजीनियस है, उसकी डिग्री क्या है, वो हमने आपको यहाँ पर बताया। ठीक, अब इसके बाद यूलर्स में आ जाइए। यूलर्स में क्या होता है कि यूलर्स की ये इक्वेशंस हैं। नंबर वन यहाँ पर है, अगर इफ़ वाई इक्वल टू, या फिर यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसा लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। और है एन डिग्री, ये है आपके पास। देन के बाद फर्स्ट नंबर में डियर ये होगा कि अगर एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई ये पूछा जाए, तो ये हो जाएगा एन यू के इक्वल, ये हो जाएगा एन यू के इक्वल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरे में अगर ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, यानी डबल डेरिवेटिव, ये सब प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। और क्लास में सब प्रूव कराते भी हैं हम इसमें, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन यू, ये हो जाएगा डियर, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर, ठीक है, जिनकी ज़रूरत वही लिख रहे हैं हम यहाँ पर, जिससे आगे वाले क्वेश्चन आप जल्दी कर लें। तीसरा ये कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पर वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई हो जाए, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा कर दिया गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस तरीके से हो गया ये, ठीक, तो दोबारा जब इसमें से करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम जब इसमें से करेंगे हम यहाँ पर, तो फिर ये आंसर हो जाएगा इसका इसी में जो है, यानी एन माइनस होगा और डेल यू डेल एक्स का, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन करना है जो अभी आपने किया, ये देखिए यहाँ पर इसी का डिफरेंशिएशन आप फिर से कर दीजिए, ठीक है ना। जब सब फिर से करेंगे तो एक्स तो रहेगा, तो एक्स का डेल यू डेल एक्स हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करेंगे और उधर डेल यू डेल एक्स भी करेंगे, तो सेम चीज़ आ जाती है इसमें से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें से एक्स डेल स्क्वायर यू उसी का करेंगे तो बन जाएगा ये डेल एक्स, ये हो जाता है। इसी में फोर्थ में अगर यहाँ पर एक्स डेल स्क्वायर यू, अब वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया जाए, जैसे हम वाई को पहले ले आते हैं, चलिए डेल स्क्वायर वाई, ठीक है ना, सॉरी डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक्स डेल स्क्वायर यू और डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। अब वाई के रेस्पेक्ट में हुआ है तो एन माइनस वन रहेगा और डेल यू डेल वाई हो जाएगा, ठीक है डियर। चार ये हैं, एक अभी और, पांचवा ये होगा इफ यहाँ पर ऐसे लिखा होगा जो है जी यू, कोई दूसरे फंक्शन के टर्म में लिखा होगा एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसा लिखा है, और फिर आपसे पूछा जाए कि एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू, अब इसमें जेड भी जुड़ जाएगा, अगर आ गया तो जेड भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा डियर यहाँ पर एन और जी यू और जी डैश यू हो जाएगा। बस ये पांच हमने कॉन्सेप्ट आपको लिखाए हैं, और पांचों कॉन्सेप्ट धड़ाधड़ आप करते चले जाइए, फिर देर नहीं होगी। तो चलिए डियर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो याद भी रखिएगा, ये रहा सामने आपके क्वेश्चन, ठीक, अब केवल लगाते चलना है फटाफट। ये देखिए एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई डेल स्क्वायर ये दे रहा है, और डिग्री एन घात का है, तो एन एन माइनस वन यू, ये आंसर हो गया, ठीक है ना, तुरंत। ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन भी लिखा हो सकता था,
इसने एन घात लिखा है, हो सकता है कि कोई फंक्शन लिखता तब भी आंसर तुरंत ऐसे आप दे देते इसको, है ना। तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन यू। अब जरा दूसरे क्वेश्चन पर देख लीजिए, अब देख लीजिए आप कितनी जल्दी होते जाएंगे। यहाँ ये देखिए, ये टू बाहर लाएंगे आप, बी इक्वल टू जो है, जैसे एक्स स्क्वायर आपने बाहर किया माइनस वन बाई टू के साथ, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर बचेगा वन, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और माइनस वन बाई टू। तो ये देखिए टू टू कैंसिल हुआ, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी, डिग्री इसकी हो गई डियर माइनस वन। जब डिग्री इसकी माइनस वन है तो ये देखिए ये पूछ रहा है तीनों चीज़ें, एक्स डेल यू डेल एक्स, वाई डेल यू डेल वाई, जेड डेल यू डेल जेड। ये इक्वल टू हो जाएगा, डिग्री कितनी है माइनस वन है, तो एन यू होता है ना, तो यहाँ बी लिखा है तो माइनस बी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, मतलब जो चीज़ हमने लिखा दी बस उसी पर पूरा का पूरा फोकस रखना है, और फटाफट हाँ उसको पूरा डेरिवेट करना चाहें तो बिल्कुल पार्शियल डेरिवेटिव करके एक एक चीज़ प्रूफ कर सकते हैं आप, एक एक सब चीज़ें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड में देखिए, जेड इक्वल टू ये लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, तो इनमें से कौन सही होगा, ठीक है ना। तो हमें एक एक करके इनमें से निकालना है। देखिए तो पहले तो आप निकालिए डेल जेड डेल एक्स, ये देखिए कितना होगा, एफ डैश हो जाएगा एक्स प्लस ए वाई होगा। जब इसका करेंगे तो ए वाई तो जीरो हो गया, ये वन हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पर आ जाइए फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा, जब इसका करेंगे ये जीरो, इसका वन हो जाएगा, ये इक्वेशन वन हो गया डियर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर की बात कर रहा है, तो फिर हम इसी वक्त इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, यानी स्क्वायर का मतलब है कि डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं है यार, स्क्वायर नहीं होता, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि सेकेंड डेरीवेटिव कर लेते हैं। सेकेंड डेरीवेटिव जब करेंगे तो ये डबल डैश हो गया, ठीक है ना, और एक प्लस ये हो गया। अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका करेंगे जब तो ये वन ही आएगा, ये जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट फाइव डैश हो जाएगा और x माइनस ए वाई ही आएगा, क्योंकि ये वाई वैसे भी जीरो हो जा रहा है, तो ये दूसरा हो गया। अब उधर y के रेस्पेक्ट में भी किया गया है, तो फिर डेल जेड डेल वाई करिए। डेल जेड वाई करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई आएगा, अब x का जीरो हो जाएगा, ए वाई का जब करेंगे तो a आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए माइनस आ जाएगा फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई और इंटू ए, माइनस हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट टाइम एक बार और करिए, तो डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, ये डबल डैश हो जाएगा और a और आ जाएगा, ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस फिर से वापस आएगा तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, ये हो जाएगा डियर। तो अब ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन आप लेते हैं तो ये सीधे सीधे सेकंड वाला बन जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है ना, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ में आप देख रहे हैं कि डेल स्क्वायर जेड की जो वैल्यू है, डेल स्क्वायर जेड की जो वैल्यू है वो डेल स्क्वायर जेड वाई के इक्वल तो आ रही है, ठीक है ना, लेकिन ए स्क्वायर के साथ आ रही है। देखिए ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, डेल स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना, लेकिन दोनों में यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये वाई है, ठीक है ना डियर, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये है वाई स्क्वायर वाई टू, यानी डेल टू जेड डेल वाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू, ये वाला पार्ट बच गया सीधे सीधे और आंसर हो गया ये। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देख रहे हैं आप कितना जल्दी से बन जा रहा है, यानी उस कॉन्सेप्ट के, और ये हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर नए क्वेश्चन आपके साथ होंगे, और ऐसा करीब करीब ये सिक्स लेक्चर चलेगा, ये सिक्स लेक्चर या फिर सेवन भी हो सकता है, लेकिन सिक्स तो कन्फर्म है कि सिक्स तक आपको मिलेगा ये, ठीक है ना, यानी शंखनाद 22 23 24 ऐसे करके।
तो अब यहां देखिए, अब ये बन गया जो हमने जी यू लिखा था, तो टेन को इधर लाइए, तो ये हो गया जी यू, यानी इसी को कहेंगे डियर जी यू, ये टेन यू जो दिख रहा है आपको ये। अब इधर बचा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और अपान में एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है एक्स, बस अब सीधे प्रॉपर्टी लगा दीजिए भाई, हर बार जो है जितना भी मैं कराता जा रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा, बाई यूलर्स मेथड से ही करना है आपको, ठीक है ना। वैसे करेंगे तो समय लगेगा और कर भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं फिलहाल। तो एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इक्वल टू, ये देखिए इसकी डिग्री भी देख लीजिए पहले, डिग्री कितनी है वो भी जान लीजिए आप। एन की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है, एन की वैल्यू 3-1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, डिग्री हमारे पास 2 आ गई, ठीक है ना। तो फिर डिग्री 2 हो गई। अब इसके बाद टेन यू का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो टेन यू लिखिए और फिर टेन यू का डिफरेंशिएशन, तो sec स्क्वायर यू हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल बात है। यहाँ जो जी यू है वो जी यू वहाँ लिखना है और इसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है। तो जब डेरिवेटिव किया आपने तो 2 साइन यू अपान में कॉस यू और इन टू, ये sec स्क्वायर है तो ऊपर ले आइए इसको, तो कॉस स्क्वायर यू, तो ये कॉस कैंसिल हुआ, अब 2 साइन यू कॉस यू का मतलब हो गया साइन 2 यू, ये आंसर हो गया डियर, ठीक है ना। बहुत बेस्ट टेक्निक है इनका और बढ़िया सा, मतलब एक्चुअल में जो ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ ऐसे थ्योरी पर डिपेंड होता है कि अगर आपको वो पता है तो फटाफट करते चले जाइए तुरंत ही। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, अब यहाँ से हमने शुरू कर दिया है सिंपल डेरिवेटिव ही, ठीक है ना। अब सिंपल डेरिवेटिव हमने शुरू कर दिया, लेकिन अभी पार्शियल का फिर अगली क्लास में मिलेगा, ये चलता ही रहेगा, पार्शियल सिंपल, ठीक है ना, और डेफिनेट और इनडेफिनेट, हर टाइप के क्वेश्चन आपसे मुलाकात होती रहेगी उसमें से, और इसीलिए हमने डिटेल भी बता दिया है कि किस तरीके से करते हैं। हमने यूलर मेथड भी आपको पूरे बता दिए, यूलर इक्वेशंस भी कह सकते हैं उनको। इसके बाद होमोजीनियस क्या है, उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, नॉन होमोजीनियस कैसे होगा, वो सभी चीज़ें बताया हमने, और हर एक टाइप का क्वेश्चन आता रहेगा। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, निगेटिव वैल्यू है। अब आप जानते हैं कि निगेटिव वैल्यू के लिए साइन भी निगेटिव होगा और मॉड भी निगेटिव होगा, मतलब माइनस साइन एक्स टू होल पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे डियर, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि फंक्शन टू पावर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है यानी एक्सपोनेंशियल का, हम बार वही रखते हैं, एक बार वही वैल्यू रखेंगे जो है यहाँ पर, और इसके बाद इनटू लगाएंगे, डी डी एक्स लगाएंगे, और फिर ये वाला पार्ट पहले लाएंगे माइनस एक्स पावर का और लॉग लेकर के दूसरा लिखेंगे, ये होता है डियर करने का तरीका। अब कर दीजिए फटाफट, तो ये शांत चुपचाप लिख दीजिए इसको, माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना, क्लियर है ना आपके, समझ रहे हैं ना इस बात को, ये माइनस क्यों हुआ समझ रहे हैं, वो माइनस है नेगेटिव वैल्यू है, एक्स नेगेटिव होने पर मॉडुलस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो हो जा रहा है ना, तो इसलिए दोनों नेगेटिव हो गए। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो एक एक कर करिए फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहले माइनस एक्स का करते हैं, माइनस एक्स किया हमने तो माइनस वन आ गया, तो फिर इसको वैसे लिख देते हैं माइनस साइन एक्स, ठीक। अब प्लस लगा दिया हमने, अब दोबारा माइनस एक्स का ना करके हम साइन एक्स का कर देते हैं लॉग साइन एक्स का, तो वन अपान आएगा, गया साइन को बिल्कुल लिए रहिएगा, माइनस को छोड़िएगा नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा कहीं। माइनस साइन एक्स कर दिया आपने, अपान में आ गया वो, अब माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन का कॉस होगा और माइनस ऑलरेडी रहेगा आपके पास, ये हो गया, ये वैल्यू हो गई डियर। अब यहां पर रखना क्या है, माइनस फाइव बाई सिक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई सिक्स। अब आप ये सोच रहे हो कि सर माइनस का उपयोग तो यहां कर लिया गया है, लेकिन आप जानते हैं ना कि मॉडुलस है, तो जब उपयोग कर लिए फिर माइनस रखेंगे तभी तो अपने आप पॉजिटिव होगा, तभी तो मॉडुलस का अर्थ क्लियर होगा डियर, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव होता है, तो जब माइनस में लेते हैं और फिर माइनस वैल्यू रखते हैं तब वो पॉजिटिव हो जाता है, ये मतलब होता है उसका। तो जैसे ही यहाँ पर वैल्यू आप रखेंगे
तो देखिए क्या बना, यहाँ रखिए साइन 30 डिग्री होगा, प्लस का हो जाएगा ये भी और ये भी प्लस का, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई, माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस यानी +π/6, तो ये हो गया 1/2 टू पावर प्लस का π/6, ये हो गया। यहाँ पर आ जाइए, -1 रहेगा, यहाँ जब आप रखेंगे तो +1/2 आ जाएगा। +1/2 का मतलब है कि log 1 की वैल्यू 0, तो log 2 बचेगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये log 2 हो गया डियर। यहाँ पर आ जाइए तो -π/6, ठीक है ना, अब ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर आ जाइए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस ये भी था, एक माइनस ये भी था, तो ये तो प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है, और फिर हम रख रहे हैं कॉस, तो कॉस्ट वाला तो वैसे भी कॉस्ट बना रहेगा, वो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ माइनस रखने पर ये भी प्लस हो गया, यहाँ माइनस रखने पर ये भी प्लस हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसमें से तो अब आपके पास वैल्यू आ जा रही है, हमने प्लस लगा करके माइनस एक्स लिखा, फिर ये हो गया 1/-sin x, फिर -sin x का फिर से किया तो -cos x हो गया। अब जब वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम इस जगह, तो ये देखिए दोनों को ले लीजिए, तो ये हो गया cot x, ठीक है ना, cot x, और cot 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी, ठीक है ना, √3 हो गई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/6 √3 हो गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये देखिए दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। अब कॉट में रखेंगे हम -π/6, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस आ रहा है इसमें, और ये वाले माइनस रखेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर माइनस है। चलिए भाई 6 ले आइए, तो 6 log 2 हो गया, -√3π बचा, और ये 2 टू पावर -π/6 हो जाएगा, और अपान में 6 हो जाएगा, यानी ये आंसर आ गया, ये आंसर हो गया डियर। बिल्कुल इत्मीनान से लगाइएगा, बस 3 ही लाइन का क्वेश्चन है, एक ही लाइन का बस ये किया आपने और आंसर रख दिया। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में देखिए x^2n तक गया है, dy/dx = 0 पर निकालना है। अब अगर आप इसमें से लॉग ले लें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर लॉग लेंगे तो सब अलग अलग बन जाएगा, तो ये हो गया log y = हम एक साथ रख देते हैं इसको, तो log 1+x हो जाएगा, प्लस log 1+x² हो जाएगा, ऐसे log 1+x जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करिए, तो 1/y हो गया, dy/dx हो गया, इक्वल टू 1/1+x हो गया, प्लस 1/1+x² हो जाएगा, लेकिन 2x आएगा, इसी तरीके से 1/1+ आगे बढ़ते चले जाइए फिलहाल, ठीक है ना, डैश कर दीजिए, 1/1+x^2n हो जाएगा, और (2n)(x^2n-1) आ जाएगा। अब जरा देखिए, अब इसमें पुट कर दीजिए, x = 0 जब पुट करेंगे तो ये देखिए ये सब 0 होते चले जाएंगे, केवल ये बचेगा, ठीक, केवल ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो dy/dx = कितना आ जाएगा। अब y की वैल्यू जरा देख लीजिए, जब हम यहाँ पर y 0 की वैल्यू निकालेंगे तो केवल 1 आएगा, बाकी सब 0 होता चला जा रहा है, 1 × 1 × 1 × 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1 × 1 + 0 और +0 + 0, तो आंसर कितना आ गया, 1, ये आंसर हो जाएगा डियर, ठीक है ना, मतलब लॉग लेकर के बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि f एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f1=1 है, f2=4 है, f3=9 है, तो फिर हम लेट कर लेते हैं हम कि जी एक्स कोई एक फंक्शन है और यहाँ पर x² सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऐसे लेट करिए आप, इस तरीके से सेलेक्ट करिए, इससे डिफरेंशिएशन करके आप आसानी से कर सकें, क्योंकि एफ एक्स सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो सकता है। अब जैसे ही आप g·x निकालेंगे तो आ जाएगा f·x -2x,
ये हो गया दूसरा। फिर जी डबल डैश निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कह रहा है ना, डबल डेरिवेटिव ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। एफ डबल डैश एक्स हो गया, माइनस टू हो गया। अब आप जरा देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि एफ वन एफ थ्री यानी वन से थ्री तक है, वन से थ्री तक है। तो अगर ये डबल डिफरेंशिएबल है और जीरो हो गया, मतलब जी डैश एक्स जीरो है, तो श्योर है कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी। लेकिन टू आ जाएगी लेकिन कब, इंटरवल कहाँ से लेकर के, केवल वन से थ्री तक। ऑल ओवर एक्स बिलोंग्स टू वन से थ्री, केवल इतने में, ठीक है ना, केवल इतने में ही। तो अब सभी के लिए नहीं होगा, पता नहीं किस वैल्यू के लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू टू होगी, किसी के लिए होगा जिसके लिए जीरो हो जाए, ठीक है ना, किसी एक वैल्यू के लिए तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पर ये ऑल ओवर ना लगा करके के लिखेंगे फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू वन। तो कौन सा ऑप्शन है, एफ डबल डैश एक्स टू तो है लेकिन एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं लेंगे, फाइव तो है ही नहीं, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है ना, यानी ये वाला आंसर हो गया सम। कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी जरूर होगी जिसके बीच में ये जीरो होगा, यानी ये जो है टर्निंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो वन और थ्री के बीच में जीरो जरूर होगी। क्योंकि ये देखिए एफ वन नॉट इक्वल टू एफ थ्री है, ठीक है ना, तो फिर किसका यूज कर रहे हैं हम, बाई लॉरेंज थ्योरम का, लैग्रेंज थ्योरम। क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, और बी माइनस ए होता है ये, ठीक है ना। तो अगर ये जीरो हो जा रहा है तो किसी न किसी इस दोनों पॉइंट के यानी वन और थ्री के बीच में ही हो जा रहा होगा, ठीक है ना। और रोल्स का कब यूज करते हैं, जब एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, तो इसके एक बीच में कहीं ना कहीं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, किसी न वन और थ्री के बीच में कम से कम एक पॉइंट पर जरूर होगा, ठीक है ना, मतलब एट लीस्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ऐसा लिखा है माइनस फाइव बाई फोर से प्लस फाइव बाई फोर, तो इसको सिंपलीफाई करिए, ये टेन है और ये साइन है, तो इसको साइन ले आइए। तो टेन इनवर्स में आपके पास है परपेंडिकुलर, और ये रहा डियर क्या है, टू थीटा बेस, यानी ये आपको मिल रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो फिर हाइपोटेनस निकालिए, तो हाइपोटेनस में क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो कॉस टू थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस टू थीटा हो जाएगा डियर। तो फिर एच इक्वल टू हो गया रूट साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला रखिए कि जिससे सिंपल हो जाए। तो एच इक्वल टू कॉस थीटा आ गया, इसका मतलब जब साइन में बदलेंगे टेन को साइन में, तो बस केवल एक चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, दो इसमें से होते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में, तीसरा निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और ये बेस आ गया हाइपोटेनस, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, मतलब ये बन गया साइन इनवर्स टेन थीटा, ये हो गया। चलिए इसको उठा के वहाँ रख दीजिए, तो एफ थीटा इक्वल टू हो गया साइन साइन इनवर्स टेन थीटा, तो ये आ गया डियर एफ थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा का टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, टेन थीटा का टेन थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, वन, ये वन हो जाएगा। उसी फंक्शन का, उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब वन ही होता है और कुछ नहीं। चलिए डियर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, ये सब क्वेश्चन वैसे हैं जो एग्जाम में 100% कभी ना कभी आते रहते हैं, इसी टाइप के ही क्वेश्चन। यहाँ देखिए y इक्वल टू n तक दिया है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो n को 1 मान करके भी कर सकते हैं, तो अगर 1 मानते हैं आप, तो ये देखिए ये y आएगा, ये माइनस वाई आ जाएगा, ये भी माइनस वाई है, ये अलग है थोड़ा सा, ये दोनों सेम आ जाएंगे अगर 1 लेते हैं, है ना।
तो एक काम करिए, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, कर दीजिए आराम से, ठीक है ना। तो जब पहली बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले बाहर लाइए, तो एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हुआ और पावर में एन माइनस वन आ जाएगा। अब चैन रूल लगाना होगा डियर, क्या लगाना होगा आपको, चैन रूल, जैसे मतलब हर बार करते हैं आप, सेम वही चीज़ है भाई। सीधे से बात है कि पहले होल पावर हटा, आप जो अंदर लिखा है उसको भी तो करेंगे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का तो वन हो गया, ये रूट का है तो वन अपान टू रूट में चला जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा, ये हो गया, ये वैल्यू मिल गई हमें, तो टू टू कट गया। अब जरा इसको फिर से देखिए, यहाँ पर लाएंगे एलसीएम लेंगे और एक्स तो फिर यही आ जा रहा है, इसका मतलब इस पावर को फिर से ऐड कर दीजिए, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो गया एन, और एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन, क्योंकि एक पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन ये बचेगा डी आर अपान में, ये बचेगा रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है, ठीक है ना। ये आ गया डी वाई डी एक्स के इक्वल, ये डी वाई डी एक्स हो गया। अब हम डबल डेरिवेटिव फिर से निकाल लेते हैं, तो ऐसा करिए इसको इधर ले आइए तो आसान हो जाएगा करना, नहीं तो फिर परेशान होंगे। तो इसको हम ले आते हैं इधर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, डी वाई डी एक्स हो गया और इक्वल टू एन। अब ये वैल्यू तो वाई के इक्वल है ना पूरी, तो इसको एन वाई कर दीजिए यार, कहाँ लिखते फिरेंगे फालतू, जब ये वैल्यू हमारे पास वाई के इक्वल है तो वाई रखिए, ख़त्म करिए। अब फिर से कर डालिए पूरे को डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड से इधर करिए, तो डी टू वाई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, डी टू वाई डी एक्स टू हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसका करिए, तो ये हो जाएगा वन अपान टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू टू एक्स, ये हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स ऐसे बना रहने दीजिए। अब इक्वल टू एन वाई है तो एन डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो गया डियर, इतना बन के हमारे पास आ गया। टू टू कट कर दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए ज़रा, तो इधर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू बन जाएगा, जब एलसीएम ले रहे हैं तो इधर एक्स बचेगा, तो एक्स डी वाई डी एक्स वो भी हो गया। इसको उधर ले चलिए, तो जब उधर ले चलेंगे तो डी वाई डी एक्स ये रहा सामने, जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो एन वाई आपके पास पहले से मिल जाएगा, ठीक है ना। एन डी वाई डी एक्स की जगह पर हम ये पूरा का पूरा रख रहे हैं वहाँ, और इसको उधर ले चल रहे हैं, तो जैसे हमने ये पूरा रखा तो एन स्क्वायर भी मिल गया हमें, इसकी वैल्यू वाई भी मिल गई और ये कट गया, केवल एन स्क्वायर वाई आंसर हो गया, इसके इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर वाई, ये हो गया डियर, ठीक है ना। अब इतना काम है तो ये तो नॉर्मल बात है, आप देख ही रहे हैं एलसीएम लेकर के उधर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। जगह तो नहीं है लेकिन मैं कहिए कर ही देता हूँ थोड़ा सा, जगह नहीं है डियर, दूसरे पेज में या तो चलें कर देते हैं, चलिए लिख देता हूँ मैं कितना देर लगना है। ये बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू, इधर का अकेला एक्स बचेगा डी वाई डी एक्स, और इधर एन था डी वाई डी एक्स, और ये वाला इधर आ गया एलसीएम लेने पर, और डी वाई डी एक्स की जगह पर है एन, और एक्स प्लस एन वाई है तो सीधे सीधे वाई रख देते हैं इसको, ठीक है, एन वाई और अपान में रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया एन स्क्वायर वाई। चलिए साथियों अब आते हैं नेक्स्ट में, ये क्वेश्चन है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कौन सा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, अलग अलग यानी एक साथ कंबाइंड दिया है, एक इंडिविजुअल फंक्शन नहीं है कि किसी एक्स वाई इक्वल टू पूरा का पूरा दिया हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो टू टू पावर एक्स का टू टू पावर एक्स होगा, लॉग टू हो जाएगा, टू टू पावर वाई का टू टू पावर वाई होगा, लॉग टू हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स भी हो जाएगा। इधर वाले में टू टू पावर एक्स प्लस वाई होगा और लॉग टू हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई का करेंगे तो वन प्लस डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ये लीजिए डियर, फास्ट करिए बस तुरंत, अब पूरे में आप देख रहे हैं कि लॉग टू कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म करिए इसको,
ये अब डी वाई डी एक्स आपके साथ दिख रहा है, कहाँ कहाँ है, तो उसको बाहर ले लीजिए। तो डी वाई डी एक्स हो गया ये, यहाँ बच रहा है 2i, ठीक है ना। और वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला है 1 प्लस डी वाई डी एक्स, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसको इधर ले आइए, तो -2 टू पावर x प्लस y ये हो जाएगा। अब उधर बच रहा है 2 टू पावर x प्लस y, ये बच रहा है इसके साथ 1 में इंटू करने पर, और ये चला जाएगा उधर, 2 टू पावर x उधर चला गया, ये हो जाएगा डी। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 2 टू पावर x प्लस y -2 टू पावर x और अपान में 2 टू पावर y -2 टू पावर x प्लस y। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स और वाई को 1 1 रख दीजिए। तो जैसे ही 1 1 रख रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तो ये देखिए 1 1 रखा तो 2 स्क्वायर बना, -2 बना, ठीक है ना। यहाँ पर 2 टू पावर 1 -2 स्क्वायर बना, तो ये देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो 2 बचा। यहाँ पर ये 2 है, ये -4 है, तो -2 बचा, तो -1 आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से फटाफट तेज़ी के साथ आप बढ़ते हैं जाएंगे इसमें से, और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। अब आते हैं डियर, ज़रा दोनों पार्ट के बाद अब हम इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन में क्या है, आई वन की वैल्यू हमारे पास दी है, तो जब भी कभी आई वन और आई टू ऐसा दिखे आपको, तो आपको सीधे प्रॉपर्टी लगाना क्या है, एक्स वाले में जिसमें एक्स लिखा रहता है उसमें प्रॉपर्टी आप लगाएंगे बाई एक्स टेंस टू, यानी एफ आप एक्स की जगह पर एफ आप ए प्लस बी माइनस एक्स रख देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आई वन आपने लिखा, तो ये देखिए 1 माइनस k है ना, 1 माइनस k है डियर, और ये k है, दोनों को ऐड करिए तो k k कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x की जगह पर 1 माइनस x रखा आपने, इंटू एफ है, फिर 1 माइनस x रखा, और जहाँ 1 माइनस x है, ये देखिए, तो x की जगह 1 माइनस x रखेंगे तो x आ जाएगा, बदल जा रहा है। इसके दो पार्ट कर दीजिए, आई वन इक्वल टू तो 1 माइनस k 1 के साथ ले आइए पहले, x इंटू 1 माइनस x डी एक्स माइनस एक्स 1 माइनस k 2k और एफ ऑफ x 1 माइनस x डी एक्स। बस जैसे ये बनाएंगे आप, यानी x जिसमें है उसमें दोनों लिमिट को ऐड करके x की जगह पर 1 माइनस x रखना है, बस अब आपको दिखने लगेगा कि ये जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू है डियर वो आई वन है। दोनों किधर ले आइए तुरंत, 2i1 इक्वल टू आई टू, तो आपसे पूछा क्या है, i1 अपान i2, तो ये हो गया 1/2 आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है ये वैल्यू जो आएगी वो इससे छोटी है, ठीक है, तो 0 टू a x dx का मतलब हो जाएगा x² / 2 0 टू a, तो 0 में तो 0 हो जाएगा, a में a² / 2 हो गया, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू a+4 है, तो 2 को उधर ले चलिए, तो a² < 2a+8, तो फिर a² - 2a - 8 < 0, ये आ गया, ये इक्वेशन बना। अब 8 के फैक्टर करिए कि -2 आ जाए, तो -4 + 2 + 2a - 8 < 0 फैक्टर कर दीजिए सर, तो a - 4 बना और a + 2 बना, नंबर लाइन लगा दीजिए, तो यहाँ -2 हो गया डियर और यहाँ 4 हो गया, ठीक। मतलब ये सिंपल सा डेरिवेशन है, ये इंटीग्रेशन आपको पता है x²n का क्या होता है, x²n + 1 / n + 1 वही बना, सीधे ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर बना, नंबर लाइन लगा दीजिए, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, अब लेस देन 0 है तो -2 से 4 आंसर हो गया, इक्वल लगा है ना, इसलिए ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना, ये वाला आंसर होगा।
चलिए साथियों, नेक्स्ट में आते हैं। अगला ये लीजिए, अगला क्वेश्चन ये। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको, तो 0 से 1 में डियर टेन इनवर्स इसके दो पार्ट में, पहले नीचे वाला बना लीजिए, तो 1 + x कॉमन लेंगे तो 1 - x आ जाएगा। यही दोनों वैल्यू ऊपर लीजिए माइनस में, ठीक है ना, x माइनस 1 - x, तो ये देखिए 2x - 1 बन जाएगा। बस अब बहुत आसान हो गया। अब आप लिखेंगे 0 से 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 से 1 tan इनवर्स 1 - x dx। अब ये इक्वल टू हो गया 0 डियर। क्यों हो गया 0? क्योंकि ये देखिए, x की जगह पर 1 - x रखेंगे, प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx हो जाता है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है? यहाँ लगा है डियर बाई टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 + xy। ये इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। आंसर हो गया इसका तुरंत, दोनों सेम होंगे तो आंसर कट करके आ गया कितना, 0। हाँ, अगर ये ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता तो ये दोनों 2 tan inverse हो जाता। ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन बदलेगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ भी है। 0 to 1 tan inverse x dx इक्वल टू होता है 0 to 1 tan इनवर्स 1 - x dx। ये होगा डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन बड़ा और कौन छोटा, ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिए। x बिलोंग्स टू, ये देखिए 2 है। अब 1 से 2 में अगर हम लिमिट रखें x और 1/√1 + x2, आप गौर से देख लीजिए, अगर 1 रखें तो ये 1 आएगा और ये 1 रखें तो 1/√2 आएगा। कोई भी वैल्यू इसके बीच में रखेंगे ये हमेशा बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो अब यहीं पर लिमिट लगा दीजिए 1 से 2, दोनों तरफ सेम करने में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे बनाते जाइए। 1 से 1/√1 + x dx। यहाँ भी अब ये वैल्यू किसकी है डियर, i2 की और ये i1। आंसर हो गया, कोई है ऑप्शन में देख लीजिए, है कहीं i1 > i2। ये रहा डियर, हो गया। बस ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू है x की, इनके बीच में यहाँ रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, सॉल्व करने के चक्कर मत रहिएगा आप कि इंटीग्रेशन करें उसका फिर इसका करें तो फिर पहचान नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 0 से π, तो आप इसको आई लेट कर लीजिए, 0 से π log बेस ई 1 + cos x dx। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब बाई प्रॉपर्टी जो आप जानते हैं, i = 0 to a की प्रॉपर्टी, तो log 1 + cos a - x यानी कि π - x। cos 180 - θ जानते हैं आप क्या होता है, क्या होता है भाई, ये होता है 1 - cos x हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र एक ही होता है, ना माइनस होता है, ना डिवाइड होता है, ना इंटू होता है, ओनली प्लस। तो फ्रॉम 1 + 2 तो 2i हो गया। अब ये जरा देखिए, log ये प्लस log ये करेंगे इंटीग्रेशन 0 to, यहाँ तो जगह भी नहीं यार, लिख भी नहीं पाएंगे। चलिए दूसरे पेज में चलते हैं, ठीक। 2i = 0 to π log 1 + cos x + log
वन माइनस कॉस एक्स। अब ये देखिए दोनों एक्स प्लस वाई है ना लॉग में, तो इनटू में हो जाएगा, तो जीरो टू पाई लॉग, जब दोनों का इनटू करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब टू आई इक्वल टू, टू बाहर ले लीजिए, जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा। टू टू कट गया, आई इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ भी से पाई से टू बाहर ले लीजिए, तो जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया। लॉग साइन एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है डियर ट्वाइस है माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ये होता है। तो टू टू तो कट गया, तो पाई लॉग टू आ गया, या फिर आप माइनस हटाना चाहें तो हटा दीजिए, माइनस हटाना चाहें तो हटा दीजिए। तो माइनस अगर हटाएंगे तो ये बन जाएगा डियर पाई लॉग वन बाई टू। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन हो या फिर लॉग कॉस हो, दोनों लॉग कॉस एक्स डी एक्स, दोनों में से कोई भी हो, आंसर होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू या फिर पाई बाई टू वन बाई टू, ठीक है ना। तो टू टू कट जाएगा, देखिए तो ये बन गया। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं है कि नहीं भाई, ये रहा पाई लॉग टू तो है नहीं, वन बाई टू ये रहा, क्योंकि ये होता तो माइनस में लेते, तो ये आंसर हो गया। इन दोनों को छोड़ दीजिए, चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब ये देखिए माइनस ए टू की ए की प्रॉपर्टी, मतलब हमने क्वेश्चन सब चुनिंदा रखा है डियर, कि एक एक करके क्वेश्चन सब आते जाएं, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस वन से वन में, ध्यान से देखते चलिए, टू साइन इनवर्स एक्स ऑड फंक्शन है ये, माइनस रखने पर बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये जीरो हो गया, ठीक है ना। प्लस माइनस वन से वन थ्री टेन इनवर्स एक्स, ये भी माइनस, ये तो एक्स स्क्वायर तो इवन है, ध्यान रखिएगा ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और ये इवन है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला माइनस एक्स हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब बचा माइनस वन से वन फोर कॉस इनवर्स एक्स, इवन फंक्शन है ये वाला, है ना, पता नहीं अभी देख बताते हैं आपको, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई, क्यों, क्योंकि अगर माइनस ए टू ए पर एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, मतलब एफ आप माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स का मतलब माइनस होता है, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स का माइनस नहीं होता, पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो ये नहीं होगा डियर, ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। दो वैल्यू जीरो हो गई, ये जीरो प्लस जीरो। अब यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पर माइनस वन से वन है, फोर बाहर करिए, अब एक काम करिए, लेट करिए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, ये टी हो गया, तो माइनस वन अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये डी टी ये हो जाएगा। तो ठीक है, माइनस उधर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब लिमिट तो बदल लीजिए, जब यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो कॉस माइनस वन तब होता है जब पाई होगा, तो लिमिट भी बदल लीजिए साथ में, तो पाई हो गया, वन तब होता है डियर जब जीरो होगा, और माइनस ये वैल्यू अब माइनस में आ गई, ठीक है ना। अब इसको आपने टी माना है, तो ये टी हो गया और डी टी, बाकी तो सब गायब हो गया। इसको उल्टा कर लीजिए, अब इसको उल्टा करिए तो प्लस हो जाएगा, जीरो से पाई हो जाएगा और टी डी टी हो जाएगा, बस अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं
अलग से क्या चलें लेके, इसको टी स्क्वायर बाई टू हो गया, ठीक है ना, फोर इंटू टी स्क्वायर बाई टू और जीरो से पाई, तो जीरो में तो जीरो हो गया, टू पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, है ना। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा। कास इनवर्स टी है तो माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टी हो गया, तो कास इनवर्स को टी तो मान लिया आपने, माइनस वन अपान में पूरा चला गया, ठीक है ना, पूरी वैल्यू फिनिश हो गई, माइनस वन टू वन में जो है बदल करके जीरो टू पाई भी आ गया, ठीक है ना, जीरो टू पाई आ गया, फोर बाहर भी है तो टी स्क्वायर बाई टू ही आ रहा है, यानी टू पाई स्क्वायर ही आ रहा है डियर, है ना, क्योंकि टी है वहाँ पर, ये टी है, ये पूरा जो है माइनस वन अपान माइनस चला गया, तो कुछ बदला तो है नहीं, कहीं और है भी नहीं कुछ, है ना, इसका मतलब यहाँ ऑप्शन में गलती हो गई, ऑप्शन में छूट गया ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही होगा, है ना। फिलहाल मुझे दिख तो यही रहा है, कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये गायब हो गया, ये भी पूरी तरीके से गायब हो गया, फोर कास इनवर्स वही बच रहा है हमारे पास, तो फोर बाहर हो गया, उसको टी माना हमने, तो अगर तब आता जब वन बाई टू आ रहा होता, तो वन बाई टू तो किसी में दिख नहीं रहा इसमें से, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन यही होता है ना, यही आएगा, ठीक है ना। चलिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ये सीधा सीधा आंसर होता है, इसको याद रखिए, जीरो टू इन्फानाइट, ठीक है ना, एक्स टू पावर एन माइनस वन अपान वन प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एन डी एक्स, इसका मतलब होता है बीटा एम एन, बीटा एम एन, और इसका मतलब होता है गामा एम इंटू गामा एन और अपान गामा एम प्लस एन, यानी बीटा फंक्शन, ध्यान रखिएगा डियर, इसको बोलते हैं बीटा फंक्शन, एक जीरो टू वन का भी होता है, एक ये भी होता है, तो अभी फिलहाल जब वो दूसरा नंबर आएगा तब उसको पढ़िएगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे गामा एन आपको निकालना है, तो गामा एन का मतलब होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल, एक कम हो जाता है, और गामा अगर वन बाई टू आ जाए तो वो रूट पाई हो जाता है, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से हम लगा लेते हैं इसको पूरा, अगर कैलकुलेशन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी आए तो। नेक्स्ट में आ जाइए डियर, अब ये देखिए ज़रा, ए एन इक्वल टू आपके पास लिखा है जीरो टू टेन टू पावर एन एक्स डी एक्स, ये लिखा है। अब ए टू प्लस ए फोर निकालना है हमें, ठीक है ना, ए टू प्लस ए फोर, तो ए टू प्लस ए फोर जब करेंगे तो जीरो से पाई बाई फोर, ठीक है ना, मैं एक लग बता देता हूँ, बाकी बढ़िया सा ट्रिक है इसकी, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉरी टेन स्क्वायर एक्स और प्लस टेन की पावर फोर एक्स, तो यहाँ देख लीजिए, जीरो टू पाई बाई फोर, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे ही आप लेट करेंगे सेक स्क्वायर हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई फोर टेन स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आप लेट कर लीजिए, टेन एक्स इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको डी टी रखेंगे तो ये टी बनेगा यहाँ पर, और पाई बाई फोर रखने पर वन आ जाएगा, तो ये सीधा आंसर बनेगा जीरो टू वन टी स्क्वायर डी टी, तो ये बन जाएगा टी क्यूब बाई थ्री जीरो से वन, तो वन बाई थ्री आ गया। मतलब ये कि आप शॉर्ट में याद रखिएगा हमेशा के लिए, कि जब भी आपसे ए एन और ए एन प्लस टू पूछा जाए, जब ये कंडीशन दी हो, तो फिर आंसर हमेशा इसका आता है वन बाई इन दोनों के बीच में, यानी एन प्लस वन, ये आता है। इसका मतलब ये कि ये दो और चार के बीच तीन है तो वन बाई थ्री आएगा, तीन और चार पाँच के बीच चार है तो वन बाई फोर आएगा, फोर और सिक्स के बीच ये है तो वन बाई कितना फाइव आएगा। अब ये सब के सब किस में है, एच पी, किस में हो गए डियर, एच पी में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगाना है।
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या देखे जरा, अब यहाँ इंटीग्रेशन इफेक्ट्स कह रहा है वो, बट यहाँ पर इफेक्ट्स है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इसको चेंज करके वापस लाएंगे दूसरे में, क्योंकि हमारे पास है नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर हमें करना क्या होगा, हम लेट कर लेंगे 3x-4/3x+4 इक्वल टू कैपिटल एक्स, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3x(X)+4X। स्मॉल एक्स इधर ले आइए क्योंकि उसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो 3x-3x(X) और इधर 4X बचेगा और इस 4 को उधर ले चलिए तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्मॉल एक्स कॉमन ले लीजिए तो 4X+4 और अपान में यहाँ देखिए, यहाँ एक्स आपने कॉमन लिया तो 3 - 3X, 3 - 3X आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो मतलब ये कि इसके द्वारा अगर आपने इसको कैपिटल एक्स मान लिया तो फिर आगे वाला ये पार्ट जो बचा एक्स की जगह पर ये रखिए अब, तो 4X+4 और अपान में 3 - 3X ये हो गया, और +2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए जल्दी से, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको स्मॉल एक्स रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं इसमें से, और वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो +2, 2 3 = 6 हो गया, ठीक है ना, और 2 3 = 6X और अपान में 3 - 3X। तो ये देखिए अब ये हो गया 6 4 10 हो जाएगा, और 10 में से ये 6 4 10 गलत, हाँ ये 10 हो गया और उधर 2X बचेगा, यानी 10 - 2X और अपान में 3 - 3X। बस डियर ये बचा, अब इसी का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेशन FX dx का मतलब हो गया, अब स्मॉल में भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 10 - 2X और अपान में 3 - 3X, ठीक है ना। तो अब चाहें तो अलग अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन हो जा रहा है, 2/3 कॉमन ले लीजिए तो 5 - X हो गया और 1 - X हो गया, ये हो गया। तो आप इसके दो पार्ट कर लीजिए, तो 2/3 ये हो जाएगा, 4 ले लीजिए यहाँ पर तो 4/1 - X dx, अब इसके बाद प्लस यहाँ 1 बचा तो 1 - X, तो 2/3 1 - X/1 - X dx, ये देखिए 5 - X ही है पूरा। तो अब यहाँ देखिए 4 2 8 हो गया, 8/3, अब ये लॉग में आ जाएगा, log 1 - X लेकिन माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, आगे वाला 2/3X आ जाएगा प्लस सी, ये डियर इसका आंसर हो गया 8/3, ठीक है ना, 8/3 log 1 - X ये रहा और 2/3X हो रहा। इस तरीके से फंक्शन को बदल के करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फंक्शन था नहीं हमारे पास, तो बदल के वापस लाएंगे कैपिटल एक्स में, बाद में स्मॉल में रखे रहिए कोई दिक्कत नहीं है। डियर एक क्वेश्चन ये रहा लास्ट, तो यहाँ पर ये देखिए sin की पावर 7 है, sec² पावर 7 है, तो इंटीग्रेशन sec² x - 7 अपान में sin2 पावर 7X dx ये है। अब इसमें कुछ अगर ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आसान से हो जाएगा, मतलब आप एक काम करिए, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए sin2 पावर 7X का, ठीक है ना, और -7 sin 7X और अपान में कर दीजिए sin की पावर 7X का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब जरा देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, किसी का, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई sin2 पावर 7X केवल बनाने के लिए कि किसी का डेरिवेटिव बन जाए,
तो जरा देखिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो साइन 7 आएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर होगा, वही लिखा है। इसका करेंगे तो 7 साइन एक्स आएगा, साइन का करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, तो कॉस और साइन ही कट जाएगा तो सेम यही आ जाएगा। फिर बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया, आप क्या आ गया, ये आ गया डी टेन एक्स और अपान में साइन टू पावर 7x। बस अब डी और डी तो कट गया ना, तो आंसर हो गया डियर 10x टू पावर साइन 7x प्लस सी, ये हो गया साथी। लीजिए डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि बढ़िया सा क्वेश्चन हुए हैं, एक पोर्शन अच्छा सा तैयार हुआ है, तो अपने साथियों में सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा डियर, ठीक है ना, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है अगले सेशन में शंखनाद 23 में फिर से जो है नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है डियर। नमस्कार, जय हिंद।